जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है सोनी सूरी, बस्तर सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। लेकिन इससे पहले सोनी सूरी की ये पहचान नहीं हुआ करती थी। सोनी सूरी की पहली पहचान एक आम सामान्य महिला की। 1975 में जन्मी 39 साल की सोनी सूरी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हुआ करती थी। उसके 3 बच्चे थे और वो एक सामान्य सी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मैं एक शिक्षिका थी। जब मैं जंगल के एरिया में जाके अपनी शिक्षा अपने आदिवासी बहनों को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, तो मैं एक विकास के स्तर पर ले जा रही। मुझे इतनी सारे केसेस लगा के अंदर करने का मतलब क्या है। इस पहचान पर भारी पड़ गया एक आरोप छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से लगाया गया। सितंबर 2011 में नक्सलियों से सांठगांठ कर एक कंपनी से अवैध उगाही के मामले में सोनी सूरी को नामजद किया गया। 5 अक्टूबर 2011 को छत्तीसगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान के चलते सोनी सूरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 8 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। एसआर कंपनी से अवैध धन उगाही के मामले को छोड़कर सोनी सूरी बाकी सभी मामलों में बरी हो चुकी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस जमानत का कड़ा विरोध किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सोनी सूरी को जमानत दिलाने में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अहम भूमिका निभाई थी। कि जैसे हम एक आदिवासी, हमको जेल क्यों भेज दिया जाता, किस बेस पे, जो बेवजह के केसों में इस तरह से फर्जी केस बना बना के जेलों में डाल दिया जाए, और जो एक नक्सली लीडर है बंदूक पकड़ के लड़ाई लड़ा हो या वर्दीधारी, उसको बकायदा अपने सिलेंडर करने का एक नौटंकी बना के उसको VIP जिंदगी दिया जा रहा, तो इस तरह से एक भेदभाव ही हो रहा है ना। सोनी सूरी का नाम एक दूसरी वजह से भी चर्चा में आया और ये वजह थी सोनी सूरी के साथ किया गया बर्ताव। अक्टूबर 2011 में कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी उसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में जिक्र था सोनी सूरी के बदन में कुछ बाहरी चीजें मिलने का, जिसके पीछे यौन अत्याचार की बातें कही गई। इसी के बाद मानवाधिकार संगठनों ने सोनी सूरी के मामले को उठा लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत इकाई के अनुसार 8 और 9 अक्टूबर 2011 को पुलिस हिरासत में सोनी सूरी को बुरी तरह पीटा गया, उसके साथ यौन हिंसा की गई और उसे बिजली के झटके दिए गए। फरवरी 2014 में सोनी सूरी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। सोनी सूरी ने दावा किया था कि पुलिस हिरासत में जो यातना दी गई उसी की वजह से अब वो राजनीति में शामिल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी पार्टी की पूरी उम्मीदें सोनी सूरी पर टिकी हुई हैं। सोनी सूरी को आदिवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सोनी सूरी के चलते अब बस्तर लोकसभा का चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा को मैदान में उतारा है, जिसके चलते अब लग रहा है कि पूरा चुनाव नक्सल समर्थक और नक्सल विरोधी खेमे में बटकर रह जाएगा।